आदर दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है एक तरह का शपथ ग्रहण। और ये शपथ ग्रहण आमतौर पर आपने देखा होगा कि मंत्री या अधिकारी शपथ ग्रहण करते हैं जब उन्हें कोई ओहदा मिलता है। लेकिन आजकल देश में एक नई तरह की शपथ भी चल गई है, और वो शपथ चल रही है NPR और NRC को लेकर के। दरअसल हैदराबाद का ये मामला है जहाँ पर मक्का मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी, जो NRC, CAA और NPR के खिलाफ लड़ने के लिए बाकायदा जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके संयोजक मुश्ताक मलिक ने बाकायदा लोगों को जुमे की नमाज के बाद मक्का मस्जिद के बाहर शपथ दिलाई कि वो NPR का फॉर्म नहीं भरेंगे। NPR को सरकार ने लागू कर दिया है, जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर के अब हैदराबाद, खासतौर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उसके अलावा जो कर्नाटका का जो एरिया है हैदराबाद वाला, उसमें ये मुहिम चलाई गई है। और संयोजक जो जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक हैं मुश्ताक मलिक, उनका कहना है कि जुमे के रोज़ 50 से 60 लाख लोगों ने बाकायदा ये शपथ ली। और ये शपथ थी, उस शपथ को भी हम सुनाते हैं आपको, जो बाकायदा शपथ बताई जा रही है और जो कहा गया है शपथ में। शपथ में कहा गया है, हम भारतीय हैं, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है और हम इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर NPR और NRC का फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ये एक नई शपथ हिंदुस्तान में शुरू हो गई है। क्या वाकई में सिविल डिसओबीडियंस, आप इसको एक तरह का मामला कह सकते हैं, जिस तरह से असहमति जो जताई जा रही है वो एक नई तरह की असहमति है बाकायदा शपथ लेकर के? और क्या आने वाले समय में देश भर में इस तरह की शपथ देखने को मिल सकती है? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह से सिविल डिस ओबीडियंस अगर होता है तो इसको रिकवर करना और इसके बारे में सरकार को गंभीरता से ज़रूर सोचना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, अपनी राय में ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी राय में ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर, यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।